अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ समर ट्राइफल की रेसिपी। इसके लिए स्ट्रॉबेरीज़ को अच्छे से स्लाइसेस में कट करके रेडी कर लें और साथ में बेरीज़ वगैरह और ये बादाम और तमाम ड्राई फ्रूट्स, जो भी आप ड्राई फ्रूट पसंद करना चाहें वो आप सब चीज़ें ये आप रेडी कर लें सबसे पहले। और इसके बाद कस्टर्ड भी तैयार करके उसको आप रेडी कर लें। कस्टर्ड को में क्रीम भी बीट करके उसके अंदर चीनी और वनीला एसेंस डाल के उसको अच्छे से बीट करके क्रीम भी रेडी कर लें। ये सब टॉपिंग्स के लिए भी क्रीम इस्तेमाल होगी। कस्टर्ड बनाने के लिए एक लीटर दूध लेना है, उसके अंदर आधा कप चीनी डालनी है और जब दूध बॉयल हो जाएगा तो इसमें 6 से 8 चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर को मिक्स करके डाल दें। कस्टर्ड पाउडर जो है वो दूध के अंदर घोलना है। अब ट्राइफल की असेंबलिंग करें। यहाँ पे फ्रेश केक के स्लाइसेस को नीचे अच्छे से एक लेयर लगा लें, साथ में जिस पे ये स्ट्रॉबेरीज लगानी है। लें जी, अभी ये लेयर रेडी हो चुकी है। अब ये कस्टर्ड की लेयर लगाएं। अब ये कस्टर्ड की लेयर रेडी हो चुकी है। अब इसके अंदर थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज डालें। बनानास डालें। आप कोई भी अपनी पसंद का फ्रूट इसमें डाल सकते हैं, ग्रेप्स वगैरह भी आप डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डाल लें, कोई से भी आपके पास जो अवेलेबल हो। इसमें बादाम, मेवा, अखरोट और ये सब मिक्स किया हुआ डाला है। अब इसी तरह दूसरी लेयर रेडी करनी है। इसके अंदर भी इसी तरह केक की लेयर लगाएं, कस्टर्ड की लेयर लगाएं, उसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डालें या कोई भी फ्रूट्स आपके पास जो अवेलेबल हैं वो भी, फ्रेश फ्रूट्स में वो भी आप डालें। इसी तरह आप लेयर्स रेडी कर लें। इसके ऊपर ये क्रीम की लेयर लगा लें। क्रीम मैंने बीट करके रेडी रखी हुई थी, उसके अंदर वनीला एसेंस और चीनी डाल के बीट की थी और इसको आप लेयर लगा लें। उसके ऊपर आप ये चॉकलेट्स मैंने थोड़ी सी क्रश करके ऊपर डाली थी डेकोरेशन के लिए, बाद में ये स्ट्रॉबेरीज और बेरीज के साथ डेकोरेट कर लिया। सेंटर में ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, सिंपल सी डेकोरेशन की है। आप भी ये आप रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देर के लिए ट्राइफल को आप फ्रिज में रख लें, से ठंडा हो जाएगा और इसमें टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।